अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। देखे तो सही मैं आज चली थे मुंह से मुंह और ठीक है। आज आप भी दर्द है चाहिए ऐसी काकी चाहिए चाहिए देख ना मम्मा से बोल ना चुम्मी दे इसको जी करना ना ना ओए नीचे आ गए कबूतर सारे पकड़ी ने ना ओए ना जा ना जा फिर उड़ जाएंगे करीब जाओ तो उड़ जाएंगे फिर हाँ। ओ गाय आहत अम्मी की हेल्प करवाओ ना उठ जाओ क्या है मम्मा झाड़ू उठा के दो किधर पड़ा है झाड़ू चरपाई के नीचे क्या हुआ ओए होए हाथ में देते होते हैं चीज जब कोई भी बड़ा मांगे तो अम्मी ने नई जूती पहनी थी तो वो जूती चुभती रही है पाँव पे अब वो जख्म हो गया इस वजह से जूती उतारी हुई है ये चारपाई हमारी टूट गई थी तो फिर हमने उसको बनवाया ही नहीं मौसम जो हो गया मौसम अब तो वैसे अंदर सोने का मौसम हो गया ना और सर्दियों में फिर ये चारपाई हमारी फालतू भी हो गई थी तो अब जैसे सर्दियों में गैस नहीं होगा तो फिर ये जला देंगे खाना बना लेंगे इस पे काम आ जाएगी लकड़ियाँ अब फिर लोहे वाली चारपाई लेंगे अब नेक्स्ट गर्मियों में इंशाल्लाह ये उधर फूफो का घर है ना साथ तो इसलिए वहाँ से थोड़ा सा हमने वो रखा हुआ है एक दो ईंटे जो है ना तोड़ के हमने जाला सा बना दिया ताकि कोई भी चीज़ लेनी देनी हो या कोई बात करनी हो तो बंदा यहीं से बात कर ले उधर से गली में से ना जाना पड़े ऐसे कैसे कंबल लेकर आए हो हम इसको धूप लगवाएंगे ना इसको गाड़ी में लेकर आ रहे कंबल है चलो बोलो जी मम्मा चलो 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 आपको पता चले मेरा बेटा काम कितना करता है ओए होए अब कंबल का काम आने वाला है ना सर्दियां आ गई हमें रात को इतनी सर्दी लगी कि हमने कहा सुबह तो जरूर ही कंबल निकालना है बहुत जरूरी है हम रात को बाहर सोए परसों रात इतनी सर्दी लगी हमें अब फिर रात को हम अंदर ही सोए थे बाहर सोना तो फिर तो कंबल होना चाहिए अंदर लेकिन रात को सही नींद आई बस ये है कि शुरू में 7-8 बजे थोड़ी सी अंदर घुटन होती है लेकिन रात को जैसे लेट नाइट फिर मौसम सही हो जाता है फिर अंदर मौसम अच्छा लगता है ना गर्मी लगती है ना सर्दी लगती है चलो कंबल को जो है थोड़ी हवा लगवा लेते हैं जैसे धो के रखे थे जब गर्मियाँ आई थी तो इसको धो कर रखा था अब ज़रा सा बस हवा लगवा लेते हैं तो फ्रेश हो जाएगा अगर बाहर सोने का मूड हुआ तो फिर बाहर सो जाएंगे आज रात आज बाहर सोना है कि अंदर सोना है आज बाहर मैं अंदर अंदर सोएं चलो
अंदर ही सोएंगे फिर आज। हाँ जी, अम्मी ने अब कंबल जो है वो हवा लगवा लिया है, लपेट के अंदर रख दिया है। आज वैसे हम थके हुए थे, मामू के घर हम एक रात रुक कर आए हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि पता नहीं कितने दिन वहाँ रह कर आए हैं। और जब घर आए हैं तो घर ऐसे लग रहा था जैसे पीछे आंधी आई हो, इतनी मिट्टी और इतना गंद मचा हुआ था। तो पहले दिन जब आया तो तब तो कुछ नहीं किया, अम्मी की तबीयत भी सही नहीं थी कुछ। अम्मी को जूती ने जो है ना वो चुभती रही है, तो अम्मी के पाँव पे जख्म हो गया। इस वजह से फिर मैंने कहा आज आप कुछ ना करें, रेस्ट करें। आज अम्मी ने बस थोड़ी बहुत सफाई की है, कंबल भी जो है वो हवा लगवाए हैं, तो अब अम्मी की बेहतर है कुछ तबीयत। अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी थी कि मैंने डिस्क्रिप्शन में दो लिंक दिए हैं, वो आपने चैनल जाकर देखने हैं और उन चैनल्स पे जो वीडियोस हैं उनको वॉच करना है। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगें तो सब्सक्राइब ज़रूर करना है आपने। संडे के संडे मैंने करना होता है प्रमोट, बट ऐसा इत्तेफाक होता है कि संडे वाले दिन मुझे वीडियो अपलोड करने का टाइम ही नहीं मिलता, ऐसा कुछ हो जाता है, हर संडे को ऐसा हो रहा है आजकल। तो आई एम सो सॉरी जो लोग संडे का इंतज़ार करते हैं, बट मैं उस दिन वीडियो नहीं लगा सकती, आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन आप लोग की वीडियो मैं संडे को अगर नहीं लगा सकती तो मंडे को लगा ज़रूर देती हूँ। हफ्ते में एक दिन मैं शाउट आउट ज़रूर दे देती हूँ किसी को। मेरे शाउट आउट से मैं जानती हूँ कि किसी को बहुत ज़्यादा फ़ायदा तो नहीं होता होगा, लेकिन ये है कि चलो आप लोग खुश हो जाते होंगे, मुझे बस ये काफ़ी है। वैसे तो आप दुआ करें मेरा चैनल और अच्छा जाए, तो मेरे शाउट आउट से आप लोगों को और ज़्यादा फ़ायदा हो। तो खैर, शाउट आउट अगर आप भी मुझसे लेना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि मैं अपनी वीडियो में आपका चैनल को शाउट आउट दूँ और अपने डिस्क्रिप्शन में आपके चैनल का लिंक दूँ, तो आपको क्या करना है, मुझे इंस्टाग्राम पर जाकर फॉलो करना है और मुझे फॉलो करने के बाद मैसेज भी करना है इंस्टाग्राम पर कि आपने मुझे फॉलो कर लिया है और आपको शाउट आउट चाहिए। उसके बाद मैं आपको शाउट आउट दे दूँगी, वन बाई वन सबकी बारी आएगी। तो अगर आप लोगों की अभी बारी नहीं आई तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना, बस मुझे एक दफ़ा इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपना चैनल का लिंक दे देना और मुझे याद करवा देना, क्योंकि बहुत सारे मैसेजेस आए होते हैं तो बंदा भूल जाता है। खैर जी, ये थी आज की बस छोटी सी वीडियो, मुन्नी सी। तो आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में। सर्दियाँ वैसे आ गई हैं, मुझे इतनी खुशी हो रही है, मेरी ऑल टाइम फेवरेट सर्दियाँ आ गई हैं, तो मुझे सर्दियाँ तो बहुत पसंद है। तो सर्दियाँ बस आ गई हैं और अब मेरा मूड भी हैप्पी रहेगा। मुझे गर्मियों में वैसे ना मेरा मूड अच्छा नहीं रहता और अजीब सा, मतलब ऐसे बोरिंग लाइफ लगती है, मतलब अच्छा नहीं लगता। लेकिन सर्दियाँ मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। तो इंशाल्लाह आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स भी देखने को मिलेंगे। तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस कर दिया करें। आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।